सास बहू की मोहब्बतें तो देखी, बहू का गम देखकर सास ने ससुराल में बहू के लिए खुद को अपने आप में समेट लिया है, खाना पीना तक छोड़ दिया है और बहू सास को मनाने के लिए सब कुछ ठीक होने का नाटक कर रही है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है इश्क सुभान अल्लाह में। जारा की जिंदगी में आया तूफान कबीर के घर वालों पर अपना असर दिखाने लगा है। जारा की जिद है कि वो कबीर के साथ अपने रिश्ते को हर संभव निभाने की कोशिश करेगी, लेकिन कबीर की अम्मी जारा के साथ हो रहे बर्ताव से बेहद दुखी है। लेकिन जारा कबीर के साथ मिलकर मामला संभालने की कोशिश में है। अम्मी आपको एक मजेदार बात बताएंगे, 30 दिन के बाद क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आपके बेटे ने हमसे वादा किया कि इस महीने का हर दिन हमारे लिए बहुत यादगार बनाने वाले हैं। जैसे कि आज हमसे वादा किया है कि ये कहीं नहीं जाएंगे और अपनी प्यारी सी अम्मी के लिए अपने हाथों से लजीज सा खाना बनाएंगे। लेकिन अम्मी को पेट भर के खाना खाना पड़ेगा। सच? जी नहीं। कभी आओ, हम तुम्हें किचन तक का रास्ता याद दिलाते हैं। चलो अम्मी, हम आते हैं। हाँ। चलो चलो। ज़ारा, क्या ही? हमारे यहाँ निकाह हुआ था, तब मैंने एक बोला था कि अगर कभी खुदा ना खास्ता कर हमारा तलाक हुआ तो वो तलाक बिद्दत नहीं होगा बल्कि तलाक हसन होगा, यानी कि ट्रिपल इंस्टेंट तलाक नहीं होगा। तलाक हसन यानी कि हर 30 दिन बाद एक तलाक दी जाती है। ऐसे 3 तलाक होती है, मतलब 90 डेज प्रोसीजर होता है। हर तलाक के बीच 30 डेज का गैप होना चाहिए। तो पहली तलाक होगी, अब दूसरा तलाक 30 दिन के बाद है, तो अम्मी थोड़ी अपसेट लग रही है, तो उनका मूड थोड़ा ठीक करने आई हूँ मैं। लेकिन जारा के लिए परिवार की ये फिक्र किसी से देखी नहीं जा रही है। यकीन मानिए, जारा ने भी अब अपनी कमर कस ली है। वो हारेगी नहीं, वो टूटेगी नहीं, वो लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने पति से भी। जो झगड़े हुए थे वो सोच और नजरिए पे हुए, तो अगर सोच बदलेगी या नजरिया बदलेगा तभी हम लोग दोनों एक साथ होंगे, नहीं तो खाना बनाने से कोई बात नहीं। शूटिंग के साथ साथ सेट पर मस्तियां भी खूब होती हैं, और जरा सुनिए कबीर से उनकी मस्तियों के बारे में। नहीं, ये झूठ है, कहाँ देखा है? ये सबसे ज्यादा सेंस एक्टर, हाँ मैं मस्ती करती हूं। फैन कीजिए, देखिए कौन बात कर रहा है। हाँ, कुछ नहीं, सब झूठ है। I refuse your records. सबसे ज्यादा मस्ती यही करता है, सबको डिस्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, हमने तो ये भी सुना है कि आप खाना अच्छा बना लेते हैं। आपको पता है आज तक मैंने अच्छी मैगी नहीं बनाई, सच बात है। हाँ, अगर आप लोग को चीज़ ऑमलेट पसंद है तो आई एम अ वेरी गुड शेफ व्हेन इट कम्स टू चीज़ ऑमलेट्स। बस वन डिश और कुछ नहीं। फिलहाल ये 30 दिनों की मोहलत जारा और कबीर की जिंदगानी के लिए बेहद अहम है, और आगे उनके जिंदगी में क्या होता है इस पर हम सब की निगाहें टिकी होंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।